नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आपस में बातचीत की, लेकिन आखिर ये बातचीत हुई तो क्यों हुई और इसका इसराइल और हमास के बीच संघर्ष पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल पूरी दुनिया भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखती है। वो किसी भी संघर्ष में किसी का पक्ष लेने से गुरेज करता है और उसका ध्येय हमेशा यही रहता है कि किसी भी स्तर पर अगर हिंसा हो रही है तो वो रुकनी चाहिए और आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो वैसे तो इसराइल और ईरान के बीच तल्ख रिश्तों के बारे में हर कोई जानता है। ईरान के हमास और हिजबुल्ला के साथ क्या संबंध है, ये बात दुनिया के लिए कोई ढकी छुपी नहीं है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले की फंडिंग के तार भी ईरान से जाकर जुड़ते हैं। वैसे तो अरब दुनिया के कई देश हैं जो हमास का समर्थन करते हैं। हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया और इस हमले में इसराइल के 1400 निहत्थे नागरिक मारे गए। इसके बाद भारत ने खुले शब्दों में इसका विरोध किया और ईरान ने हमास के इस हमले का समर्थन किया। वैसे देखा जाए तो भारत और ईरान हमास को लेकर अलग अलग कोनों पर खड़े हुए। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत का क्या मतलब है, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल भारत शुरुआत से ही गुट निरपेक्ष देश की विचारधारा पर चला है, लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद इसमें कुछ बदलाव आया। पहले भारत इस तरह के संघर्षों में किसी भी पक्ष में बयान देने से बचता था, लेकिन अब भारत अपनी जरूरत के हिसाब से बयान देता है। जैसे यूक्रेन और रूस के संघर्ष के दौरान पीएम मोदी ने ना तो रूस के पक्ष में बयान दिया ना ही यूक्रेन के पक्ष में। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ये जरूर बोला था कि ये युग युद्ध का नहीं है। हालांकि अमेरिका के जबरदस्त दबाव के बावजूद भारत ने रूस के विरोध में कोई बयान नहीं दिया और ना ही हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में जो करार आया उसमें रूस का नाम लिखा गया। भारत ने कूटनीति की एक पतली सी लकीर पर चलते हुए अपने दबदबे का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। इसराइल और हमास के संघर्ष में भी भारत ने कुछ ऐसे ही लाइन पकड़ी हुई है। अब समझते ये है कि आखिर ईरान को क्यों भारत से इस मसले पर बात करनी पड़ी। तो दरअसल ईरान इसराइल का विरोध तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी ही इसराइल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान भले ही दोनों को हथियार दे रहा हो, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान पर दबाव आ रहा था कि वो इस संघर्ष में सैन्य शक्ति के साथ शामिल हो जाए। अब ईरान कहीं ना कहीं फंस सा गया है, क्योंकि गाजा में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं और ईरान पर दबाव है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ऐसे में ईरान चाहता है कि भारत उसकी आवाज बने और इसराइल पर दबाव बनाए कि वो हमास पर कार्रवाई बंद करे। ईरान ये तो जानता है कि भारत के कहने पर ना तो इसराइल रुकेगा और ना ही हमास, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर भारत हस्तक्षेप करता है तो गजा में इसराइल कोई ह्यूमन कॉरिडोर के बारे में सोच सकता है, ताकि गजा में मारे जा रहे आम नागरिकों की जान बच सके। भारत के अमेरिका और अरब देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं और वो इन सब के साथ मिलकर हमास और इसराइल को एक टेबल पर बिठा सकता है। रईसी से बातचीत में भारत इस बात को साफ कर चुका है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आतंकवाद था और उसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत ने गजा के हालात पर चिंता जताते हुए मानवीय सहायता पहुंचाने की बात भी कही। दुनिया जानती है कि किसी भी देश में अगर लड़ाई होती है तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया के देशों को भुगतना पड़ता है। भारत के हस्तक्षेप के बाद हो सकता है कि इसराइल भी भारत को अपनी डिमांड की एक लिस्ट सौंपे, जिसमें हमास को लेकर वो क्या अपेक्षा रखता है इसका भी जिक्र हो। तो अभी तो इस कूटनीति की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे बैकडोर चैनल से भारत इस संघर्ष को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों को साथ लाने की कोशिश करेगा, ताकि जल्द से जल्द इस संघर्ष पर लगाम लगाई जा सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।